बहुत गर्मी लग रहा है, कैसा लग रहा है गोली तुमको बताओ? झटका देगा है? तो अब रजनीकांत वाला चश्मा पहन लिया स्टाइल में। कभी कभी मैं कुछ ज़्यादा स्मार्ट दिखने लगता हूँ, लेकिन अभी मेरा दाढ़ी बन गया तो थोड़ा कम स्मार्ट दिख रहे हैं। मैं अगर आईएस अगर रहता तो चार को पहले जाकर सस्पेंड करता मैं। चलो पपी दो, पपी दो, पपी दो, पपी दो। हाँ ऐसे ही पपी देता है। कह पीरी से कर रहा है, गर्मी लग रहा है। हेलो दोस्तों, विक्राजिल में वापस स्वागत है। तो दोस्तों क्या है कि एक लाइसेंस हमने अप्लाई किया था तो वो थोड़ा खो गया है, मतलब वो समझिए गुम हो गया है कहीं, पता नहीं चल रहा है। अभी मेरा एड्रेस पे आया नहीं, बहुत चल रहा है। तो उसका 70% आज हम लोग चलाने वाले हैं। CID के तरह एकदम छानबीन किया जाएगा, उसका पता किया जाएगा कहाँ है वो, उसको ढूंढ कर निकाला जाएगा, फिर उसको अपने पास रखा जाएगा उसको लाइसेंस को। तो ड्राइविंग लाइसेंस हमने अप्लाई किया था उसी का है, तो उसके लिए दंतेवाड़ा चलेंगे पोस्ट ऑफिस। और मेरा बाबू का तरह फेस में हल्का हल्का ये फुंसी फुंसी टाइप का लगता है, हो गया है, मतलब ठंडक वैसे हो रहा है या क्या, ये लार वगैरह जो थूक से मुँह से निकालते रहते हैं इसे तो लगा लेता है इस वजह से, तो फुंसी फुंसी हो गया। इसके लिए थोड़ा डॉक्टर को दिखा देंगे, चलते हैं। क्या है, गर्मी का दिन है, ठंडा। खैर गर्मी तो इधर है, ठंडा तो इधर पड़ता ही नहीं है। तो फिलहाल चलिए चलते हैं दंतेवाड़ा, फिर आपको और भी बहुत कुछ बताते हैं। लाइसेंस का इधर प्रोसेस क्या है, कितना समय लगता है, सारी बातें करेंगे आपके वीडियो में। कहे पीरी से कर रहा है, गर्मी लग रहा है। यही भाग दर पड़ते रहता है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैथ, रीजनिंग और GK करना बहुत ज़रूरी है। और खासकर अगर आपको रेलवे के सारे एग्जाम के अगर चैप्टर वाइज टाइप वाइज में अगर मैथ मिल जाए और सेम इसी तरीके से रीजनिंग में भी चैप्टर वाइज टाइप वाइज आपको मिल जाए और 27,000 प्लस फैक्ट्स के रूप में सार संग्रह के रूप में आपको ये किताब मिल जाए, तो आपका जो भी एग्ज़ाम है, चाहे ALP का भी आने वाला है, RPF SI आने वाला है, कांस्टेबल आने वाला है, GE आने वाला, ग्रुप D NTP, सभी के सभी क्वेश्चन इसमें करके कवर किए गए हैं और TCS PYQ सारे के सारे इसमें दिए गए हैं। तो आप इसको ज़रूर देखिए, ये आपके बहुत कारगर रहेगा। तो लाइसेंस का देखिए, यहाँ क्या है कि छत्तीसगढ़ में बहुत मतलब ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता है, अगर खुद आप सेल्फ बनाएंगे तो आपको जल्दी बन जाता है। और ज़्यादा पैसा मैक्सिमम 4,000 से ज़्यादा पैसा आपका नहीं लगेगा। हमने सेल्फ ही बनवाया और मैंने बाहर से अप्लाई करवा दिया, तो उसके बाद हम खुद जाकर उसको जमा किए, बाकी जो टेस्ट वगैरह देना था हमने दिया, तो वही इस पर हमने लाइसेंस वगैरह बनवाया। तो टोटल मिलाकर 3,500-4,000 मेरे को लग गया अभी तक। तो पहले आप लर्निंग लाइसेंस मेरा यहाँ बना, उसके बाद एक महीना बाद क्या है कि वो फिर अप्लाई करना होता है, तो थोड़ा समय लग गया लंबा। तो क्या है कि फाइनल अप्लाई किया तो 15-20 दिन में आना था, तो वो दपाल जहाँ हम रहते थे उसी का एड्रेस उस पर था। तो हुआ क्या है कि वहाँ पर एक पता एक मतलब मेरे को फ़ोन आया कुछ दिन पहले कि आपका लाइसेंस आया हुआ, तो मुझे लगा वो दंतेवाड़ा से बोल रहा है। कोई एक लड़की थी तो वो फ़ोन की, तो मुझे लगा दंतेवाड़ा, तो मैंने उसको बोला आप वहाँ उतना दूर मत जाइए, आप गीदम में आकर दे दीजिए, यहाँ आपको नज़दीक पड़ेगा, वहाँ दंतेवाड़ा से 30 किलोमीटर पड़ेगा, यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर पड़ता है हम जहाँ भी लड़ रहे हैं। तो खैर वो पता चला वो BO था, जैसे BO क्या होता है कि जैसे हर जगह पोस्ट ऑफिस से भेजता है, जैसे छोटा सा स्टेशन मतलब हर गाँव में एक होता है ना छोटा पोस्ट ऑफिस, उसी का एक स्टाफ था कोई छोटा सा, जैसे गाँव में बांटती है, तो मुझे बताया नहीं। और पता चला वो दपाल में ऑलरेडी पहुँचा हुआ था, और ऐसा मुझे कंफर्म रहता था, मैं बोलता हूँ लड़का को दे देता, लेकिन वो दिया नहीं। मैंने उसको बोलना चाहिए था ना कि हम दपाल में आके मतलब उस वाला एड्रेस पे। हाँ वो बैठा तो बोला भी नहीं, लड़की सब हमको लगा दंतेवाड़ा ऑफिसों पर फोन किया होगा, तो हम बोले उतना दरबार भेजिए, यहाँ उस पर लिख दीजिए गुमरा रेलवे स्टेशन, तो यहाँ पे ऐसे गुमरा भी बोलते हैं गाँव को, तो वो लोग समझ जाएगा, तो उस पर लिखवा भी दिए। तो वो बोल मैंने फिर बात किया, तो वो लड़कियाँ बोली कि अरे हम उसको पोस्ट ऑफिस जो बॉक्स था उसमें गिरा दिए, डाल दिए फिर वापस, अब वापस डाल दिया तो कौन इसको लिया नहीं लिया पता नहीं चला। उसके बाद वो जब लोकेशन उसका ट्रैक कर रहे हम, तो रीडायरेक्ट दिखा रहा है वो गिदम के लिए, लेकिन गिदम में गया तो पता चला वहाँ पहुँचा ही नहीं। तो वो बोले कि भैया आप दंतेवाड़ा जाके एक बार पता कर लीजिए, तो वहाँ जाते हैं, तो क्योंकि लाइसेंस इतना मेहनत से बनाए हैं तो इसको अब छोड़ना तो नहीं है, अब ले ही लेना ही पड़ेगा। आपको एक बार समझ नहीं आ रहा है, मान लो लड़कियाँ फ़ोन की आपको, तो आप उससे पूछते हैं ना कि कहाँ पे नहीं है। अरे हमको लगा तो वो बोला भी नहीं ना कि हम दपाल में आए हैं, सीधा बोला हम उसको बोले कि दपाल में मत भेजिए, आप भेज दीजिए गिदम में। तो वो ये अगर वो बोल देते इनका हाँ दपाल में लेडी है, तो वहाँ बहुत सारा स्टाफ सब उसको देते तो वो रिसीव कर लेता, बाकी कोई भी ड्यूटी इधर आता तो उसको ले लेते, इतना कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अब क्या करें, उसको समझ में आया नहीं उतना, और मुझे भी कन्फ्यूजन वगैरह हो गया। तो फिलहाल अब चलते हैं, अब जगदलपुर गया है कि कहाँ गया अब देखते हैं, तो पता चलेगा उसमें क्या है। फिलहाल मिल जाएगा, कैसे नहीं मिलेगा, वापस आएगा। हम ऑफिस में पता किए हैं, RTO ऑफिस में, वो बता रहे थे कि ऐसा नहीं है, वो अगर आपके नाम से तो फिर आपके एड्रेस पर घूम फिर के आएगा ही, और मुझे वो हर हाल में चाहिए, मैं बोल दिया हूँ कि मुझे वापस वो नहीं करना, मुझे चाहिए। तो चलिए आप ऑफिस पोस्ट ऑफिस चलते हैं, यहाँ दंतेवाड़ा का किस तरीके का पोस्ट ऑफिस आपको हम दिखाते हैं। अरे चलिए ना, लेट हो और अभी हम लोग फिलहाल रुके हुए थे पार्सल के लिए, क्या है कि कुरियर बॉय जो है वो गिदम का स्टेशन है, वो बार बार मुझे बोला टाइप 1 का 2D के पास आके, मेरा एक क्वार्टर नंबर लिखा हुआ है, वो मैं देख रहा हूँ भाई टाइप 1 2D के सामने, तो हम
वो पता चला दंतेवाड़ा रेलवे स्टेशन में पार्सल मेरा है, वो गीदम देना है, तो पहुंच गया दंतेवाड़ा रेलवे स्टेशन, उस कॉलोनी में वो घूम रहा है वो। फिर बाद में बोला रहा यही तो दंतेवाड़ा है कि गीदम है, बोले मेरा तो गीदम है। तो फिर पूछे इसका नाम बताइए किसका नाम से, तो मेरा नाम का पार्सल था विक्की कुमार, बोला बोले भाई तो उसको गीदम भेजना है, दंतेवाड़ा से नहीं ना मेरा था। वो बोला कि मतलब क्वार्टर के सामने है, हम लोग अपना क्वार्टर के सामने ना, उसको हम सब दिखाई दे रहे ना, हम लोग को दिखाई दे रहा। अब क्वार्टर का सब देखिए पूरा एक क्वार्टर दिखेगा, यहाँ तो हमको अगल बगल में कोई दिख नहीं रहा है कि भाई कोई कुरियर बॉय दिख नहीं रहा है, वो दंतेवाड़ा में घूम रहा है, पता चला उधर कॉलोनी में, ये कन्फ्यूजन हो जाता है। तो फिलहाल हम जा रहे हैं दंतेवाड़ा ही, तो उधर ही कुरियर बॉय से मिल के वो रिसीव कर लेंगे सामान को, या फिर बोला है कि मैं आपको बाद में आपको दे दूँगा, ये थोड़ा कन्फ्यूजन वगैरह हो जाता है। फिलहाल चलिए चलते हैं फिलहाल मार्केट। तो अभी फिलहाल हम लोग दंतेवाड़ा पहुँच गए हैं, अभी कुछ नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, सुबह से कुछ खाए नहीं, खाना नहीं बनाया, उठो वो चाट उधर बन रहा है, फिलहाल इधर जलेबी है 10 रुपये का 3 पीस दिया है, ठीक है। तो वो गोली का चाट आ गया है, ये चाट पर टूट पड़ी खाने के लिए, और ये बाबू के लिए छोटा सा चॉकलेट, लेकिन ये खाता नहीं है अभी, मेरा भी चाट चाट इधर अच्छा मिलता है, इस वजह से इधर आके हम लोग खाते हैं। तो फिलहाल चलिए पहले पटपट खाते हैं। तो फिलहाल हम लोग अभी दंतेवाड़ा पोस्ट ऑफिस में है, बगल में दंतेश्वरी मंदिर है, उसके जस्ट बगल में ये पोस्ट ऑफिस है दंतेवाड़ा का, और ये यहाँ ढूंढे से मुझे मिला। दिक्कत क्या था कि इस पर लिख भी दिया है, उसमें बोला था कि आप लिख दीजिए कि गीदम में मतलब वो पोस्ट करना है, वो लिख भी दिया कि आपको वो गीदम में प्राप्त करता रहता है, उसको भेज दीजिए, रीडायरेक्ट कर दिया, लेकिन ये भेजा नहीं। 6 फरवरी से बताइए अभी तक 24-25 दिन हो गया आज, 6 फरवरी को रीडायरेक्ट किया है, बताइए ये लोग फिर आता है बॉक्स में भेजता नहीं, उसके लिए खुद हमको आना पड़ा, खुद ढूंढे तो बॉक्स में जो था उसमें हमको मिला। ये स्थिति है इन लोगों का भेजना, हालांकि उनको जो इंचार्ज थे कुछ स्टाफ थे वो गुस्सा कर रहे थे, जो सीनियर थे हेड, कि भाई तुमने भेजा क्यों नहीं, तुम्हारा गलती है, क्योंकि मेरा कोई गलती है, हम बोले भाई हमको चाहिए, वो बोल रहा है कि नहीं इसको ऐसे नहीं देंगे, अब गीदम फिर जाएगा, बोले ऐसा थोड़ी ना होता है, अब तक मुश्किल से ढूंढने आया, पता चला हमको देंगे नहीं, फिर दिक्कत हो सकता है, इसलिए बोले कि आप कुछ भी कीजिए, हमको अभी डिलीवर कर दीजिए, आपको जो करना कीजिए, फिर पेपर पर लिखे वो अपना जो भी प्रोसेस हो करके यहीं पर डिलीवर वो दिखा दिए। तो ये सारी परेशानियाँ होती है, हालांकि ये कि कुलदीप चौधरी का नाम है सर, वो उनका नंबर है मेरे पास, उठा नहीं रहता, लेकिन वही अंदर में थे, मिले हमको, तो वही डांटे उठे काफ़ी ज़्यादा उन लोगों को कि भाई तुमने भेजा क्यों नहीं, ये सब ऐसा नहीं करना चाहिए, भेज देना चाहिए। अगला प्रधान और ये मैंने कि लाइसेंस है, तो लाइसेंस को ऐसे छोड़ नहीं सकते ना, इसमें इतना पैसा लगा है, खर्चा हुआ है, छोटा मोटा चीज़ रहना तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बड़ा जाएगा, ये वापस चला जाए तो फिर दिक्कत हो सकता है। तो ये सारा प्रॉब्लम होता है, अगर आपको मान लीजिए डिलीवर नहीं हुआ है, डिलीवर आ गया आपको नहीं दे रहा है, तो आप एक बार पोस्ट ऑफिस में जाके एक बार चेक करें, हेड पोस्ट ऑफिस में जहाँ का एड्रेस है, तो आपको आसानी से वो मिल जाएगा। तुम क्या कहना चाहती बोलो? हम क्या कहेंगे इसमें? तो हम काफ़ी अंदर गुस्सा भी किया, मेरा सामान होता तब गुस्सा आता हूँ। नहीं, उसको हम डांट दिया कि भाई उसमें किसकी गलती, मेरा गलती तो नहीं, आप क्यों नहीं भेजे इसको, 6 तारीख से हम कितना देर वेट करेंगे। तो फिर भाई पूछ रहा है सीनियर, वो बोला कि भाई क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम बताइए, ये सारी बातें होती है, इसलिए आप लोगों को भी थोड़ा अगर ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप जाएँ आके कॉन्टेक्ट करें। तो ये मेरा लाइसेंस वगैरह नंबर सब है, चलिए इसको खोल कर देखते हैं ओपन करके इसके अंदर क्या है। तो इसको फाड़ने के चक्कर में ये भी फट गया है, इसमें इसका डिटेल वगैरह से लिखा हुआ है कुछ कुछ, बाकी पीछे कुछ है नहीं। ये रहा हमारा लाइसेंस, ये आपको देखिए फ़ोटो वगैरह दिख रहा होगा इस पर। तो यही पीछे का पोस्ट ऑफिस यहाँ का है, फिलहाल अब काम हो गया है, घर चलेंगे अब। बहुत गर्मी लग रहा है, कैसा लग रहा है गोली तुमको बताओ? झटका देगा है? तो अब रजनीकांत वाला चश्मा पहन लिया है स्टाइल में, कभी कभी मैं कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट दिखने लगता हूँ, लेकिन अभी मेरा दाढ़ी बन गया तो थोड़ा कम स्मार्ट दिख रहे हैं, दाढ़ी थोड़ा सा आ जाएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा और ज़्यादा। तो फिलहाल कहाँ चलेंगे बोलो? फिल्म देखने जाएंगे, क्रैंक मूवी इधर लगा हुआ है, तो इसमें उसको थोड़ा नहीं देखने का प्लान है, क्योंकि ये बच्चा मेरा क्या है बेटा कि ये परेशान करेगा, देखने देगा नहीं है, परेशान करेगा, इसका खाना पानी सब छूट जाएगा। हाँ, 2-3 घंटा फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए चलिए जब शाम होगा तो मूवी देखेंगे, इस चक्कर में नहीं देख पा रहे मूवी। तो अभी इधर एक दुकान है, छोटा सा सुपर मार्केट टाइप का, हर चीज़ इसमें मिल जाता है। तो इसमें आए हैं क्लचर वगैरह, इसको ले रहे हैं क्लचर को, ये मैसेज में लिखी है कलर, ये थोड़ा इंग्लिश कुछ गलत गलत लिखते रहती है। अरे ये सब खेलने वाला चीज़ नहीं, चल अरे इसको पीट देंगे हम, कुछ ना कुछ देख रहे गिरेगा। तो इधर गन्ना का जूस वगैरह पी रहे हम लोग, पिएगा? ले लो ये फेन देख रहे, हाथ में गिरा। कैसा लग रहा है? पियो पियो, पी लो पीने के लिए कर रहा है।
तो फिलहाल हम लोग गन्ना का जूस वगैरह पी लिए। ये इधर नगर पालिका का ऑफिस है, तो ये पहली बार पिया है ये गन्ना। कह रहे मार्केट का कुछ पहली बार चीज़ें खाया है, कभी खाता नहीं है। पानी पूरी वगैरह हम लोग खाते हैं, चाट वगैरह खाते तो खाता नहीं है। हाँ मिनीज वगैरह चाटेगा या मोमोस वगैरह खाता है तो क्या है? खाने वाला चीज़ कुछ नहीं खाता है, खाली चप्पल जितना खाता है, कपड़ा खाएगा पन्नी और वो कुछ कुछ उठा उठाएगा, मतलब बाहर जो रहता है कुछ पत्थर उत्थर वो सब डालेगा मुँह में डाल लेता है ये इसका एक आदत ख़राब है। हालांकि कुछ सामान वो डालता नहीं है, उसको मांगेंगे तो हाथ में आकर देगा ये लेके। तो फिलहाल चलिए हो गया मार्केट वगैरह। ये दंतेवाड़ा का कुछ छोटा सा सीन है, काफ़ी खूबसूरत सा है शहर ये। तो फिलहाल अभी हम लोग मछली वगैरह लेने का प्लान चल रहा है अभी। तो मछली के दुकान पे ये भैया बिल्ली पाले हुए हैं, बहुत सा क्यूट सा बिल्ली है, 4-5 बिल्ली का बच्चा है दिया हुआ है देखिए। तो एक बिल्ली है वो इसमें देखे तो छिपकली को पकड़ कर वो खेल रहा था, पटक पटक उसको मार दिया छिपकली को, लेकिन वो खाया नहीं। ये बोल रही उसको लेके जाएंगे घर। तो ये अभी जग गया है, ये बिल्ली खेल रहा है, ले लो ले लो ले लो, नहीं लेगा और फिलहाल हम लोग घर आ गए हैं और ये मछली बनाने की तैयारी कर रही है, लहसुन को छील रही है। लहसुन तो खैर सोना हो गया, सोने के भाव में बिक रहा है आजकल। आपके यहाँ लहसुन कैसे आप जरूर बताएं, कैसे इधर लहसुन बिक रहा है? इधर 100 रुपये का एक पाव, मतलब 400 का किलो, हम लोग यहाँ 80 रुपये किलो बिकता था। हाल ही में जब घर गए थे तो वहाँ लाए थे, बहुत सारा खराब सूख गया किलो लाए थे खरीद के, बताइए। और अभी फिर घर जाएंगे होली के आसपास में, तो लेके आएंगे घर से ही, 5 किलो बहुत दिक्कत है इधर। अभी हम लोग का चलिए लाइसेंस तो मिल गया। और देखिए जिस जैसा हाल इंडियन पोस्ट ऑफिस मतलब जैसा स्टाफ लोग कुछ हाल है बहुत ख़राब है। मैं अगर IAS अगर रहता तो 2-4 को पहले जाकर सस्पेंड करता मैं, मतलब जनता आम जनता को इतना दिक्कत दे रहा है वो, समझिए 1 महीना लगभग होने को है। अब एक डब्बा कचरा में डाल के वो छोड़ दिया, बताइए उसमें हमको लगता है 35-30 तो उसमें और किसी का होगा, और पता नहीं कितने लापरवाही लोग करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए स्टाफ लोगों को, 2-4 को जब तक सस्पेंड नहीं किया जाएगा तब तक लोगों को चैन नहीं मिलेगा। तो खैर क्या कर सकते हैं, बड़ी जिम्मेदारी से नहीं निभा रहा है ये सब, यही दिक्कत है सरकारी ऑफिसों में। सरकारी के जितना ही कर्मचारी सब होते हैं बहुत जगह बहुत केयरलेस होते हैं, कुछ उसमें अच्छे भी होते हैं कुछ केयरलेस होते हैं, तो ये सब पे ध्यान नहीं देते, उनको ध्यान देना चाहिए। इंडिया पोस्ट ऑफिस समझिए इतना जो सेंट्रल लेवल का है, उनको ये स्थिति का हाल बना दिया ये लोग मिलके। खैर चलिए कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं, हमको मेरा लाइसेंस तो मिल गया, हम बोले भाई मेरे को चाहिए अभी चाहिए, आप जैसा जो कुछ कीजिए, मैं आया हूँ लाने तो मैं लेके जाऊँगा उसका, बस आपको जो प्रोसेस करना है कीजिए। तो वही सारी बातें, चलिए फिलहाल हम लोग का मछली उछली बन रहा है, जो नॉनवेज नहीं खाते उसके लिए सॉरी, जो खाते हैं वो आके मेरे घर पर खा सकते हैं, नहीं तो पार्सल कर देंगे। आप अपना एड्रेस सेंड कर दें हमारे कमेंट्स में, मैं आपको जरूर पार्सल कर देंगे। मछली हर संडे को तो हम लोग चिकन खाते हैं, क्या मछली तो कुछ टाइम हो गया था खाए हुए, तो हर संडे को कुछ ना कुछ लाते रहते हैं, कम ही खाते हैं चिकन ज़्यादा खाते हैं, तो चिकन मटन यही सब लाते रहते हैं। चलिए फिलहाल खाना पीना खाएंगे और आप लोग भी लाइफ को एंजॉय करते रहिए। और इधर तो उसका भी तेल लहकने लगा है मछली वाला तेल, इसलिए वो भाग गई, इधर रह के खाना ना बना रही है। तुम क्या कर रहे हो, ये डब्बा लेके दूध का डब्बा लेके मुंह में डाल रहा है, देख कितना बड़ा मुंह खोला है। ए मुची रहने यार, चल चल आ पपी दो, पपी दो, पपी दो, पपी दो, ओ हाँ ऐसे ही पपी देता है। तो ऐसे ही पपी बोलने से पपी दे देता है वो। तो चलिए फिलहाल आप लोग भी लाइफ को एंजॉय करते रहिए, अच्छे लगे तो पढ़ाई करते रहिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सागर करो कर दो, बाय 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 बाय।